अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ घरों में होंगे और खैरियत से होंगे। आज है संडे और संडे के हिसाब से मैं आपके लिए एक केक बना रही हूँ जिसको आलमंड केक कहते हैं, यानी बादाम वाला केक। ये देखें, अब मैं वज़न बताऊँ। मैंने लिया है 175 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी जिसे मैंने बारीक पीस लिया है, और 200 ग्राम बटर। और बटर वही है जो सफ़ेद कागज़ में होता है। ये बटर में केक बहुत अच्छा बनता है। 4 अदद अंडे लिए हैं, बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है। चलिए फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। ये देखें जी, बटर मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब बारी है इसको बीट करने की। हल्का हल्का हम इसे चलाएंगे। बटर को हमने 25 से 30 सेकंड के लिए बीट किया। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, मिक्स करेंगे और चलाएंगे। तो हम अच्छे से बीट कर रहे हैं ताकि इसका जो चीनी का कोई दाना भी रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको आप नोटिस करें कि मैं एक राउंड साइड, राइट साइड पर राउंड राउंड इसको चला रही हूँ। ये देखें, इतना फ्लफी सा हो गया। ये देखें, क्रीमी सा कलर हो गया, ज़बरदस्त। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अंडे तोड़ते जाएंगे और डालते जाएंगे। सॉरी, अच्छा, अंडे हमने अलग अलग छील, मतलब है तोड़ने हैं, क्योंकि ख़राब भी तो हो सकता है ना अंडा। ये देखिए, हमेशा अंडे को, गर्मी हो या सर्दी, हमें सिखाया यही जाता है कि अंडे को अलग से बर्तन में तोड़ा करें। अब मैं चलाती जाती हूँ और इसको बीट करती हूँ। 25 से 30 सेकंड के लिए हमने इसको एक एक अंडे को बीट करते जाना है। वन करके मैं एक एक अंडे को बीट करती जा रही हूँ। और रुख जो है इसका मशीन का, ये एक ही राइट साइड पे 25 से 30 सेकंड के लिए। ये चौथा अंडा भी हम इसमें डाल दें। ये देखिए कितना अच्छा बैटर हो गया। अब यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसकी वजह ये है खुशबू तो बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन केक कड़वा हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं है। अब ये 175 ग्राम जो है मैदा है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से साथ ही में छान लेंगे, छानना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे स्पैचुलर की मदद से, पहले तो हम मैदे को डालते हैं। हम इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे।
अब मैंने मोल्ड पे क्या किया है, ये बटर लगा दिया और बटर बटर पेपर लगा के ऊपर से बटर लगा दिया है। और अब क्या करेंगे कि इसको इस पर अच्छे से इसमें डाल देंगे। मैंने पहले इसमें बादाम छिड़के थे, लेकिन बेटी ने कहा ये मैंने बादाम काटे हैं, आप बादाम लगाएं। तो मैं फिर इसको वापस से वो झाड़ा है और फिर मैंने दोबारा से बटर को इस पर अप्लाई किया है। ये देखिए, ये एक बादाम में से मैंने दो दो कर लिए हैं और ये मैं इसमें लगा रही हूँ। मैंने इस तरह बादाम लगा दिए हैं, इसमें बटर लगाया है खासा। अब इसको हम रखते हैं ठंडा होने के लिए और फिर आपसे इसमें इस बैटर को इस मोल्ड में डाल के बेक करेंगे। और अवन मैंने 180 पे सेल्सियस पे लगा दिया है। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद ये बैटर इसमें डाल के दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट रखा है ताकि ये अच्छे से बादाम जो है इसमें जम जाए बटर के साथ। ये बैटर डालते हैं। अब मेरे पास जो ये मोल्ड है वो 8x8 इंच का है। टैप कर लेंगे और इसे रखते हैं ट्रे के ऊपर। हमने ये मोटा सा गत्ता जो होता है बेकिंग का ये रख दिया है। अब इसे रखते हैं 30 से 35 मिनट, कम से कम 30 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी। और हमारा जो अवन है वो 180 सेल्सियस पे प्री हीट हो रहा है, पिछले 10 से 12 मिनट में हो गए हैं। तो अब इसको हम प्री हीट अवन में रखते हैं, 30 मिनट के बाद चेक करूंगी और फिर आपसे मिलूंगी। ये 35 मिनट में हमारा केक जो है बेक हुआ है ज़बरदस्त। इतनी अच्छी खुशबू आई है कि बयान से बाहर है। और ये ठंडा हो चुका है, मैंने अवन में ही रखा था ठंडा होने के लिए। अब इसमें मैं ये ग्लेस का जो है ये लगाऊंगी। जैम लगाएं, जो सा मर्जी आप जैम लगाएं, लेकिन मैं इसको ग्लेस से ही बनाऊंगी। कितना स्पॉन्जी है, नरम मुलायम। देखिए कितना अच्छा जाल आया है इसका, जबरदस्त। और इसके साथ ये मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखें मुलायम, बहुत ही अच्छा। और मैं चखती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। ज़बरदस्त। और ये केक मैं बना रही हूँ अपने बेटे अली के नाम, अली जवाद। ये केक मैं आपके लिए बना रही हूँ, उम्मीद है ये केक आपको पसंद आएगा। खाने के बाद ज़रूर बताना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।